हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। टाइटल देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा आज की वीडियो किस बारे में है। आज मैं आपको अपना कॉलेज टूर करा रहा हूँ। कॉलेज टूर कहें या फ्लाइंग स्कूल टूर कहें, एक ही बात है। तो ये जो वीडियो है ये मैं काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड करना चाह रहा था, बट वेदर अच्छा नहीं था। थोड़ा सा बारिश वाला, हल्की सी स्नो, इस तरह का वेदर हो रखा था। आज वेदर अच्छा है तो अभी कॉलेज के बाहर खड़े हैं हम, तो कुछ इस तरह से माउंटेन्स और ऐसे दिखता है कुछ। अब चलते हैं स्कूल में। ये बजर है, इसको मैं प्रेस करूंगा। दिखाते हैं आपको कॉलेज कैसा है, क्या है। तो जैसे ही अंदर एंट्री लेंगे तो दिखेगा कि यहाँ खाली स्पेस है। इसको बेसिकली एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए यूज़ करते हैं, और पीछे यहाँ एक क्लासरूम है। PPL, CPL और बाकी कोर्सेज की ग्राउंड क्लासेस यहीं कंडक्ट होती हैं। इसके लेफ्ट साइड में एक मीटिंग रूम है जहाँ ऑब्वियसली मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं, और कॉर्नर में किचन और वॉशरूम। इधर ये जो रूम है यहाँ CFI और बाकी कॉलेज ऑफिशियल्स के कैबिन है। ये ऊपर चल के हाय, हाउ आर यू चेंग? सो हिज नेम इज चेंग, ही हैज डन हिज CPL। यू हैव डन योर इंस्ट्रक्टर रेटिंग एज वेल, सो ही इज हियर फॉर लाइक लॉन्ग टाइम। तो एक कॉलेज का दूसरा एंगल है जहाँ पे दो प्लेन पार्क होते हैं। अभी यहाँ सिर्फ नवंबर ब्रावो क्यूबेक खड़ा है, और ये एक लोता पाइपर वॉरियर है कॉलेज में। इसके अलावा बाकी सभी जो प्लेन हैं वो सेस्ना 172 हैं। हाय, एक प्लेन ये खड़ा फ्लाई करके जस्ट अभी कोई आया है। गोल्फ कोस्ट का विस्की होटल ये खड़ा, कल इसमें फ्लाई करा था मैंने। और एक मल्टी इंजन यहाँ खड़ा है। तो एक हैंगर कॉलेज के पास वो है जिसमें दो प्लेन खड़े होते हैं, दो प्लेन इसमें खड़े होते हैं, दो प्लेन यहाँ पर खड़े हैं, तो टोटल 6 एयरक्राफ्ट यहाँ पर पार्क हो जाते हैं, और 4 एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पार्क हो जाते हैं। सब फ्लाई करने जा रहे हैं, मेरी भी फ्लाइंग है आज। मैं सोलो फ्लाइट पे जा रहा हूँ, तो वो भी दिखाऊंगा आपको।
तो आज मुझे जो प्लेन फ्लाई करना है वो है एचटीसी। मेरी सोलो फ्लाइट है आज, तो आज मुझे ये एयरक्राफ्ट लेकर जाना है। फ्लाइट है 12 बजे के आसपास, राइट नाउ टाइम 12:45 हो रहा है, 11:45। तो मैं जल्दी से जाके पेपर वर्क और प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको फ्लाइट पे भी लेके चलेंगे। टेक ऑफ करने से पहले ना ये चेकलिस्ट होती है, तो ये पूरी करनी होती है। तो बस अब मैं यही करके और जल्दी से टेक ऑफ करते हैं। बिफोर स्टार्ट, एयरक्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन बोर्ड, सीट बेल्ट्स इन केबिन सिक्योर, डोर सिक्योर, पार्किंग ब्रेक सेट, बीकन लाइट ऑन, नेव लाइट्स ऑन, एवियोनिक्स इलेक्ट्रिक्स ऑफ, फ्यूल सिलेक्टर लेफ्ट, टैंक कार्ब हीट इज ऑफ, स्टार्ट की इंसर्ट। टाइम नोट कर लेता हूँ पहले होप्स में, 797, ओके। मिक्सचर रिच, थ्रोटल सेट फॉर स्टार्ट, प्राइमर आई डोंट थिंक वी नीड इट, इट्स सनी, मास्टर ऑन, प्रॉप क्लियर, इंजन स्टार्ट। Lean 1 inch, all static checked, fuel selector right, tank 80/10. Inform ATC on initial contact, you have information Delta. Delta. Listen to Meadows Airport, information Delta. Limited weather at 1840 Zulu, wind light and variable, tower visibility 15. Sky conditions scattered above 5,000, altimeter 3047. IFR approach, visual runway 26 left, arriving and departing runway 26 left and 26 right. Note, due to reduced system capacity, VFR aircraft may anticipate delays and circuit training will be limited. Inform ATC on initial contact, you have information Delta. Pit ground, Cessna 172, Foxtrot Hotel, Tango Charlie, FM 5 to local north with information Delta. Foxtrot Hotel, Tango Charlie, pit ground, runway 26 right, altimeter 3041, taxi via Foxtrot Delta, cross runway 18, contact tower holding short, squawk 5564. Runway 26 right, taxi via Foxtrot Delta, squawk 5564, will contact hold short 26 right, Hotel Tango Charlie. Pit Tower, Hotel Tango Charlie, ready for takeoff, 26 right. Hotel Tango Charlie, roger, hold short, runway 26 right. Hotel Tango Charlie. Requesting transit to Pitney-Texas area. Gulf Quebec, Sierra, Pit Tower, unable through the zone at this time, altimeter 3040, proceed outside the zone at your discretion. Quebec, Sierra. Zone, we are entering. Uniform Zulu Delta, ready on Alpha. Uniform Zulu Delta, roger, hold short, runway 26 left. Hold short, 26 left, uniform Zulu Delta. Hotel Tango Charlie Tower, northbound departure, clear for takeoff, runway 26 right. Clear for takeoff, 26 right, Hotel Tango Charlie. Yankee Papa, remember Tower, you're in a long line of landers for runway 26 left. So rather than have you leave the zone, I'll have you land on runway 26 right, number one. 26 right, Yankee Papa, November. Bravo Zulu, Quebec, clear to land, runway 26 left. Bravo Zulu, Quebec. Direct Zulu India, affirmative, turn base, number 2, followed out 178. Direct Zulu India, thanks, and this is a full stop. Where's Da Vinci? Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the lot in the rave. Oh no, I can't wait. You can read what you saw in the day. I was down, I'm up to the plate. Got a couple hits, cause you know I can't play. We gon' win it no matter what they say. Got the stick, we gon' bring it out the same. I was down.
put dollars on my head like I'm a winner. Yeah, I'm proud of what I did, I'm gonna come up. Baby, let me on red, so don't try to run up. Want no smoke, then come in peace. Flow so foreign overseas. Got them praying, they like, please. They want cheddar, not no cheese. Undefined, they don't get it, it's amazing. I was down bad in the basement. I would pray to God for a placement. I was never patient, I was always racing. Got me on the drive, that's a flagrant. Little boy, tell me what you chasing. We gotta do better, gotta be clever. Gotta love more, that's a statement. Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the law in the rave. Oh no, I can't wait. You can reap what you sow in the day. I was down, I'm up to the plate. Pack up a hits, cause you know I can't play. We gon' win it no matter what it shakes. Got the stick, we gon' bring it out the safe. It's silver steady, I was just inside the grave. When I resurrected in like 3 days. Shut up on my car, I had a sneeter. Somebody took a tenant because we the way. Walk around the house, got drip on anyway. They gon' eat it up like it's a dinner day. Seen a Lambo, claimed it on the interstate. Fame is nothing when it's Jesus in the stage. On the front of silver, it's the game. I feel my calendar, I'm losing track of all the days. Call me water boy, and I was giving them a name. I was sitting on the bench, they had to put me in a game. I be from the data, they said ashes in my veins. Shout out to the guts, but I'll never be ashamed. Pushing on the breakthrough when I know it's gonna be great. It's time to celebrate you when your family gon' hate. They just wanna see me in the grave. Come out the law in the rave. Oh no, I can't wait. You can reap what you sow in the day. I was down, I'm up to the plate. Got a couple hits, cause you know I can't play. We gon' win it no matter what the shirt. Got the stick, we gon' bring it up. And I'm back like I never left. They just treating every song like another check. I'm pulling up to every court and I'm calling next. They try to end me, now I'm stopping my foot on their neck. You'll be surprised what they do for attention. God looks into your heart and intentions. I see you judging in all of my mentions. I'm out the grave, I thank God for redemption. Now I'm taking it a step at a time. My future is bright like I turned on the lights. It's crazy how I see them right through the blind. I used to fix planes, now I'm catching these flights. Don't hit my DMs with arrogance. I gotta do it with excellence. I'm reaching the needy, it's evident. And they still in the room with the elephant. Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the law in the rave. Oh no, I can't wait. You can read what you sow in the day. I was down, I'm up to the plate. Got a couple hits, cause you know I can't play. We gon' win it no matter what the shirt. Got the stick, we gon' bring it out the shirt. Keys open, remove. Master switch off. Aircraft secure. Oh, bahut zyada busy airspace tha, bahut zyada busy. मतलब एक सेकंड इसका टाइम नोट कर लेता हूँ मैं 81 ओके तो उसके बाद स्टीप टर्न्स करे मैंने पावर ऑफ स्टॉल करा और स्लो फ्लाइट करी सर्किट्स में करना चाह रहा था बट इतना ज़्यादा बिजी एयर स्पेस है ना कि उसकी परमिशन ही नहीं मिली तो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम सही बट ये अच्छी थी फ्लाइट काफ़ी दिन बाद फ्लाई करा अच्छा लग रहा है अब जाके पेपर वर्क पूरा करता हूँ हाँ तो मैं लैंड कर चुका हूँ आधा घंटा हो गया है सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मैंने फिल कर लिए हैं बट क्योंकि वेदर आज अच्छा है कल बारिश की प्रोबेबिलिटी काफ़ी है 70-80% कल रेन दिखा रहा है तो अभी भी कॉलेज बिजी है तो मैं दिखाता हूँ कितने लोग फ्लाई करने के लिए आए हुए हैं अभी अगर भाई इतनी भीड़ कभी होती नहीं और आज संडे है तो चैंग इज इट बिजी टुडे इट्स सुपर बिजी एवरीबॉडी इज फ्लाइंग टुडे बिकॉज या बिकॉज ऑफ द वेदर एंड टुमारो इट्स शोइंग रेन इवन दो इट्स संडे एवरीवन इज कमिंग टू फ्लाई तो एक अभी इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट वहाँ पर ब्रीफिंग कर रहे हैं एक लैपटॉप के ऊपर सॉरी डेस्कटॉप पे और एक अभी उस रूम में भी है प्लेन सारे बाहर हैं आज उसको कोई फ्लाई करके आया अभी इसलिए बाहर छोड़ा हुआ है अदरवाइज उसको अंदर पार कर देते कोई और लेके जाएगा उसको तो फ्लाइट में तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करी एक गोप्रो लगाया हुआ था मैंने उसका रीज़न यही है कि ना बहुत ज़्यादा बिजी था तो कैमरे पर फोकस करने की जगह फ्लाइट पे फोकस करा जाए गाड़ी तो है नहीं कि रुक जाएगी ऊपर अगर कोई आगे प्लेन आ गया
तो एक ही एंगल से रिकॉर्ड करा, तो बहुत ज़्यादा बिजी था, इतने सारे लोग फ्लाई कर रहे हैं ना आज, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ऊपर। इसमें स्टूडेंट बैठा है, इंस्ट्रक्टर अभी आ रहा है जस्ट। इसमें भी प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन हो चुका है प्लेन पे, ये भी अभी टेक ऑफ कर जाएगा। इस पे भी किसी ने पक्का प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन करा है, तो तीन एयरक्राफ्ट। तो हैव अ गुड फ्लाइट डन कैन, थैंक यू। तो ही इज़ अ सी एफ आई फ्लाई करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट के साथ, पता नहीं प्री मतलब फ्लाइट टेस्ट से पहले सी एफ आई फ्लाई करता है, तो आई गेस उसी के लिए ही जा रहे हैं। एक टेल ड्रैगर आया, आपको दिखाता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा करंटली यूज़ नहीं होते, ये सोच रहे होंगे। साइड में जो है ये पंप है, ये रिफ्यूल करने आए हैं प्लेन को यहाँ पर। एक और स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर आ चुके हैं, ये भी फ्लाई करने जा रहे हैं। IIU भी फ्लाई करने जा रहा है, CFX भी फ्लाई करने के लिए बस निकल रहा है, STC भी तैयार है, OWS भी जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना लाइव है। संडे को भी ये जो कॉलेज का हाल है, संडे को है ये भी बस अब ऑन होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आज इतना बिजी था, कितने स्टूडेंट्स होंगे इस कॉलेज में। तो कंपैरेटिव टू और जो कोर्सेज हैं या और जो कोर्स करने आते हैं स्टूडेंट्स, उनसे बहुत बहुत कम स्टूडेंट हैं यहाँ पे। मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट अभी अराउंड 30-50 के बीच में हो सकते हैं। मतलब ना डेली नहीं मिलता कोई किसी से यहाँ पे, हर दिन मतलब किस तरह से होता है कि सबके अपने अलग अलग दिन है। मेन जो काम जिसके लिए आते हैं वो यही है, अगर आपकी फ्लाइट है आधा घंटा पहले आओ, अपने इंस्ट्रक्टर के साथ ब्रीफिंग करो, प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन करो, फ्लाइट करो, वापस लैंड करो, पेपर वर्क करके अपना चले जाओ। तो इतना सिंपल है यहाँ पे, तो क्राउड बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज, क्लासेस भी होती होंगी। आप ही सोच रहे होगे क्लास नहीं सिर्फ फ्लाई करना है, तो क्लासेस का ऐसा है कोरोना की वजह से क्लास इतनी रेगुलर नहीं है। ग्राउंड क्लास हो रही है अभी करंटली, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, अदर देन फ्लाइंग जो भी पढ़ने लिखने वाला काम है जहाँ बच्चे इकट्ठे होते हैं, वो ऑनलाइन ही लगेंगी क्लास। तो इसलिए ग्राउंड स्कूल जो भी है ऑनलाइन हो रहा है। जो डनकिन मैंने आपको दिखाए थे जो इंस्ट्रक्टर फ्लाई करने जा रहे थे, वो PPL के लिए ग्राउंड क्लासेस मतलब वही देखते हैं। अभी जो नया बैच आया, कुछ बच्चे नए आए हैं, उनका अलग से बैच बनाया है, उनकी क्लास अभी ऑनलाइन चल रही है। तो काफ़ी सॉर्टेड है, बाकी कॉलेजेस की तरह बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है। आपका खुद का स्केड्यूल है बस, आपको फ्लाई करने आना है मोस्टली, यही है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आपको कोई फ्लाइट बुक करनी है, मतलब आप यही चीज़ देख लो कि मैं संडे को आया हुआ हूँ कॉलेज में। तो एक चीज़ तो इससे श्योर है, सातों दिन कॉलेज खुला रहता है सुबह 7 बजे से, और अभी सर्दियों में थोड़ा सा जल्दी अंधेरा हो जाता है 5 बजे 4 बजे। उसके अलावा गर्मियों के टाइम पे 7 बजे तक अगर डे लाइट है तो आप सुबह के 7 से शाम के 7 तक कभी भी फ्लाई करो। मान लो आपकी बुकिंग नहीं है, कल आपने बुकिंग नहीं करी थी और आपको लगा भाई आज तो मैं फ्री हूँ, तो आपको अगर फ्लाइट बुक करनी है इनको आप तभी फ़ोन कर दो कि मुझे आज फ्लाई करना है इस टाइम से इस टाइम। आपको 90% ऑफ द टाइम्स बुकिंग करके देंगे तभी। मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, मैं कॉलेज आके फ्लाई करना चाहता हूँ, मैंने कितनी बार ऐसे बुकिंग करी है। तो ये मुझे यहाँ पर आके सबसे बड़ी एक
सहूलियत लगी कि आपका जब मन करे, आपको अगर सातों दिन फ्लाई करना है आप सातों दिन फ्लाई करो। इंस्ट्रक्टर्स इतने बढ़िया हैं, जो मेरे लास्ट इंस्ट्रक्टर थे सादिक, अभी वो छुट्टी पे हैं एक दो मंथ से, उनके बेटा हुआ था तो तब से छुट्टी पे हैं, जनवरी से वो छुट्टी पे गए हैं। इतने बढ़िया इंस्ट्रक्टर, मतलब मेरे को तो बेस्ट लगा, मतलब वो जो इंस्ट्रक्टर हैं टॉप, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकता। सादिक वॉज दी बेस्ट। और उसके बाद जैसे उन्होंने ब्रेक लिया तो मुझे तो अपनी फ्लाइंग कंटिन्यू रखनी है, मैं तो ब्रेक ले नहीं सकता इतना। तो अब जो मुझे इंस्ट्रक्टर मिले हैं, बोट नाम है, मेरे को लगा था कि यार सादिक वाली चीज़ तो मेरे को कहीं मिलेगी, वो वाली बात। जब मैं बोट के साथ मैंने ब्रीफिंग करी फ्लाइट से पहले, कल मैंने बोट के साथ भी फ्लाई करा, आई वॉज अमेज्ड। मतलब सारे ही इतने अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं ना, मतलब ये बात मैं जस्ट वीडियो के लिए नहीं बोल रहा, मेरे को जो अपना एक्सपीरियंस मतलब मुझे फील हुआ मैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो जो कुछ क्या कहेंगे प्लस पॉइंट्स मुझे लगे, सबसे पहला तो यही है, आप अगर फ्री हो, आपको फ़्लाइट बुक करनी है तो आप ऑन द स्पॉट उसी दिन फ़्लाइट बुक कर सकते हो। एयरक्राफ्ट बहुत सारे हैं, 10 सेसना खड़े हैं इनके पास, 10 सेसना 172 हैं इनके पास। प्लेन्स की कभी कमी नहीं हुई, मेरे को कभी ऐसा एक बार भी याद नहीं आ रहा कि अरे प्लेन अवेलेबल नहीं है तो आज आपकी फ़्लाइट कैंसिल, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो इतना फ्लेक्सिबल स्केड्यूल। उसके बाद इंस्ट्रक्टर्स बहुत बहुत कूल और बहुत बढ़िया, मतलब यार मज़ा आता है, मतलब हैंग आउट करने वाले लोग हैं, तो एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं। सादिक तो यार मतलब हैट्स ऑफ, मैं क्या ही बोलूँ। तो और उसके बाद जब मैंने बोट के साथ फ्लाई कर, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग, इतनी अच्छी ब्रीफिंग दी मेरे को। मैं काफ़ी टाइम बाद फ्लाई कर रहा था, वेदर ख़राब था, क्योंकि मेरे को ज़रा सा भी फील नहीं हुआ कि नया इंस्ट्रक्टर है और मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी, नहीं, इतना स्मूथली गया ना मेरा एक्सपीरियंस यहाँ। तो मतलब मुझे मज़ा आ रहा है, मैं लिटरली बताऊँ यहाँ पे रह के मुझे मज़ा आ रहा है। और जगह जगह आपने देख ली होगी कैसे कैसे व्यूज़ हैं, कॉलेज की लोकेशन कहाँ पर है, अभी मैं आपसे बात करते करते बस मैं बाहर ही देख रहा हूँ। ये खिड़की से अगर आपके कॉलेज के ये व्यू हो और फिर आपको फ्लाई करना है तो कितनी सुंदर जगह है, मतलब फ्लैट एरिया भी है, उसके बाद माउंटेन्स भी हैं, सी वाला एरिया भी है, बहुत सारी लेक हैं। मैं लेक के ऊपर ही फ्लाई करके आया हूँ अभी, पिट लेक के ऊपर। उसके बाद पैसिफिक ओशियन स्टार्ट हो जाता है वैंकूवर की तरफ, तो तीनों ही एरिया मेरे को साथ में मिल गए, तो मेरे लिए तो बेस्ट जगह है, मतलब मैं इससे बेटर नहीं मांग सकता। आई एम इन्जॉइंग माई टाइम विद सी ए सी। कल भी अगर बारिश नहीं होती तो मैं ज़रूर फ्लाई करने आऊँगा, बट इन केस बारिश होगी तो फ्लाइट कैंसिल होगी, कोई दूसरा चांस नहीं है। अभी तो मैं निकलता हूँ, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ लाएंगे एविएशन से रिलेटेड, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है आगे वीडियोस में। तो शेयर करना, सपोर्ट करना, यही कह सकता हूँ। और अंटिल देन, बाय बाय।